सभी आयल मेहमान के दिल की गहराई से भलीकार मेहरबानी करे असा के बुधो तो असा सा केड़ा वेदन एक वोट जो हक है जो असा तहां के अदा कयो सी उने जो फल असा के केड़ो भी मिले वो भी तहां मेहरबानी करे असा के बुधो तहां पान जी सियासत वेठा कयो स्टेज ते एमक्यूएम पीपी सिटी जी जका हालत है वो तहां बिनी एमपी एमएनए सा गुझी ना है हते जा 6 चूंडेल निमाइंदा इन बदकिस्मती तो दिसो वरी बटे वरी ब्या नया जागया तो माना 8-9 हिकड़े डिस्ट्रिक्ट में एतरा सारा नुमाइंदा हुजन आए रोड रस्ता एढ़ा आए ना जेको ता लाश दफन करण विंदो तो ता जो लाश ता जे कंधन ते गरी विंदो ता के मन मकान ते ना पहुंची सकदो ता जे गटर नालन जी हालत तो दिसो असा पियो था गटर असा गटर था पियो वो गटर के बारे में सवाल थी सवाल पानी पानी जी हालत खराब आ वो केर ठाइंदो मुजा सवाल है पानी जी हालत खराब आ केर ठाइंदो स्कूल जबुन हालन अदी चती लिस्ट ती दिया वो लिस्ट ही हुंदी उनन जी हालत केड़ी आ आए उनन में केर नुमाइंदा आन केर उन में इंटरेस्ट आ उनन जी केर पोईवारी कंदो सिविल अस्पताल डिस्ट्रिक्ट के संभाले तो आए ओवरऑल डिवीजन के संभाले तो सिविल अस्पताल मीरपुर खास जे में मां काल पंजो मरीज पान वठी वई है मखे अल्ट्रासाउंड जी मशीन ना है डायग्नोसिस मतलब का शे ना है उते बेड ना है उते चादरू ना है उते हालत दिसो ता बारन जी कंडीशन दिसो हेठ सुता पेन असा जी सिविल सोसाइटी मीरपुर खास जी ता उन पेज ते वजो दिसो तो वो केतरू केतरू शयो ता के रवानी तो करे आ उने जो ता केतरो उने जो जको है वो वो रिस्पांस असा के दियो ता अकेलेती जके निमाइंदा है वो जेकरे को मंदरन ते हमलो थे तो या कुछ भी थे तो एक्स वाई जेड के अकेलेती मानो सा को जुल्म थे तो उने में छाता कनिए वो किथे है ठीक है पर ये तमाम तमाम हकीकत खा परे इनन गाल बुधाई है सिविल हॉस्पिटल जी हाय आउ जे करे इनजी डिनाई कंदस ते हियर तस्दीक वनी केर कंदो तिन जेको चेवा जेका इन सूरतियाल बुधाई ते ही कोने ही कोने यो बिल्कुल गलत चेवा है अच्छा मुझे बात करने दे दे मुझे जवाब दे दे मुझे जवाब दे दे मुझे जवाब मुझे जवाब लेने दे दे मुझे जवाब आदत है अदी बिल्कुल आवाम है वो कुछ भी चई छे सूरत हाल है को बी गाल मुकाम तई वन अल्लाह न करे अड़ी जो ये सभी के चवान भाई केर तो भाई मु कदे कोन बुधवाए तो को उस्तई कब्रस्तान तई पहुंचन जेला लाश भी गरियो वने कंधन ते ही अलग अलग मानु अलग अलग कम्युनिटीज जा बैठा हैन पर मुझी भेण लाए के छाजला के जी एजेंडा ते यो गालायो आए सवाल करियो हक सवाल जो आए तमा के सवाल जो हक आए पर अग्या जे कदे चुंडल नुमाइंदो बैठो आए वो आवाम जई आए आवाम जे एफर्ट्स हैन उन जी जेके गालियों एडी गालियों थी वयन उनन में तमा चोता तो सोन हारल हुंदो पटन ते वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कदेम धोखो को नेनो आए असा पने मंशूर ते हलदायो दिसो फर्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चाहे एकरे प्रोग्राम में पने मंशूर खणी वेयस जो असो पार्टी जो इलेक्शन जो मैनिफेस्टो होंद है जैसे इलेक्शन बिणी है जमायत ठीक है जी नू लीग जो होंद लोड शेडिंग ते वो सभी के खबर आ लोड शेडिंग ते जो विकया मेरी बात तो सुन लेना आप बीच में नहीं बोलेंगे आप मैं ये कह रही हूँ कि हमने मेरा कहने का मतलब ये है आपको बहुत बोलने की आदत है आप समझते ना आप मायूसी में हैं आप थोड़ा सा सदमे में हैं अभी चुप करके बैठ जाए अच्छा मैं आऊँ यो भी चवन चाहिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है कदे भी ये तमाम कूड़ा दावा कया ही को असा जो है सोन भी हारे छींदी अस हमेशा यो हाँ अस एफर्ट्स वरता असो एतो परसेंट टारगेट हो पर अना भी असा जरूरत है पर ही हकीकत का परे गाल सब वेटन ताजी बिरादरी जै कद को तो बुधो लाश कुलन गरी वो सिविल हॉस्पिटल में जेका इन तस्वीर कढ़ी है वह बिल्कुल को हाँ उन बावजूद भी पा भी मुझा अचानक छापा लगना है तवा में केर आए तांगे खबर है अचानक छापा मुझे लगना है वो छाजे करे तां पनी का तारीफ करण में दिए या तो मुझे हुकुम जी तारीफ के अचानक छापे जो मतलब यो है तो चेक एंड बैलेंस रखनो है साके मुखे हुकूमत ते जो को नुमाइंदगी दीनी है मुखे सनी कयादत आदि फरियाल साहिबा वो हमेशा चमदी है सबनी नुमाइंदन के वन्यो तो सही इश्यूज है ना सा ऑफिसर सहकार कौन कंदा वो पूरी तरह हल न बथन पर तवा तो वन्यो असा के वजीर आला जो है उनके रिपोर्ट देनी होंगी है हाँ आऊँ मनाती सिविल हॉस्पिटल सिर्फ मीरपुर खास जो छा पूरे सिंध में आइडियल सूरत हाल कोने आऊँ चाहींदस असा जो बिल्कुल डेवलप्ड कंट्रीज जड़ा थियन पर जेका सूरत हाल अदी बुधाई आदा सवाल हुजे नुमाइंदा जवाब दा जरूर है पर उन्हें में
मतलब थोड़ो का हकीकत तुझे एक जरूर है। सिविल हॉस्पिटल की मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, देखे नहीं 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 सिविल हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं भी कंसल्टेंट की 5 से 10 खाली पड़ी हुई है, कोई कंसल्टेंट नहीं है। मेडिकल ऑफिसर की तकरीबन 40 के करीब जो है वैकेंसी वैकेंट पोस्ट पड़ी हुई थी, अब इन्होंने जाके कोई 5-10-12 जो है वो लोगों को इन्होंने पोस्ट दिया है। बात ही नहीं, 6,000 डॉक्टर सीएम साहब ने भी अपॉइंट किए, उसकी फिक्र ही नहीं है। वहाँ पे सूरत हाल सीएम साहब ने अपॉइंट किए, मैं बयान नहीं कर रहा किसी की बात को, मैं आज इस पूरे ऐवान को ये दावत दे रहा हूँ और आवाज़ टीवी को ये दावत दे रहा हूँ, सब सिविल हॉस्पिटल का विजिट करें तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। पहले आप सवाल अधिका है हिकड़ो कमाली साहब से, कमाली साहब का यो सवाल आए तो हराम के हलाल करार दई शहर जा मसला जेके असाजा वध्या जेको इंक्रोचमेंट जे में असी फ्रस्ट्रेशन जो शिकार थी न साइकिल मोटर ता हलाए सकूं, उहे वेकरियूं गलियूं उहे फुटपाथ उहे बाकायदे ठेकन ते ॾेई छॾिया, इहो कमाली साहब वारनि जो रवाज विधल आहे। इहो नंढो सवाल अदीअ खां मुंहिंजा ॿ सवाल इहे आहिनि। सुठो इहे कमु अदीअ मां मेगा प्रोजेक्ट कराया मीरपुर में भलन पिया, वॾो एहसन कमु आहे जेको अवां लाइनिंग कराई आहे चैनल्स जी या ॿी टी, इहो हिन इलाइक़े ते थोरो आहे, पर जे इन समूरनि कमनि खे विज़ू कराए न करप्शन खां पाक कराईंदा त 4 चंड लॻी वेंदा। हाणे मुंहिंजो सुवाल अधी खां इहो आहे त दोस्तनि सां मूंखे अफ़सोस थियो आहे त असांजो जेको मेन कैनाल वेस्ट ब्रांच में असांजा 4 ड्रेनेज जा पाइप हुन में हलनि पिया, जेको असीं 4, 5, 6 जेको असीं सभु लूप लाइन वारा डिगड़ी नएकोट ताईं उहो असीं पाणी पीऊं था। असांजी वस वारनि खां गुज़ारिश आहे, जीअं मां कयो आहे कुझु न कयो आहे तॾहिं बि उन्हनि लाइ एफर्ट्स वठो। पाणीअ जो मामिलो इहो आहे त असीं आबादगार ऐं हारी। ॿियो को सुवाल अधीअ खां पाणीअ जो मामिलो इहो आहे त एमरजेंसी लागू करायो, हींअर जेको एरीगेशन वाटर या ड्रिंकिंग पर्पज लाइ जेके पाणी आहिनि उहे इंतिहाई नाक़िस आहिनि ऐं गैर यकीनीअ जी हालत इहा आहे त उन लाइ बाक़ाइदे असेंबलीअ मां इहो बिल पास कराए को हिते अहिड़ा रूल्स ऐं रेगुलेशन ठाहियो। अहिड़ी एमरजेंसी लॻी पई आहे जिते चवंदा 70% खोट थींदी, सम्झो असांजा चैनल सुकी चुका आहे, पोइ पाणी केॾां वेंदो, पोइ माण्हू पीअण लाइ अॼु दर बदर आहिनि। अदी सभु तनक़ीद सां न वठो, अवां में टॉलरेंस आहे, बर्दाश्त पैदा। मूंखे अफ़सोस थियो त कमाली साहब ऐं अदी मुग़ल साहब ॿिन्हिनि इहो न चयो त अदा भले असांखां दोस्त असांजा सुवाल पुछनि। अदी अवां जा सभु सुठा कम, पर हिन कम खे विज़ू करायो तव्हां ते आङर न खण। ॾिसो तव्हांखे ग़लति फहमी थी आहे, मुंहिंजो सवाल अवाम खां ज़रूरु थियनि। ॿी ॻाल्हि इहा त तव्हां तमामु हिकिड़ो सुठो इहो वाक़ई असां हिन ते जहिड़ो त करियूं पिया आहिनि पाणी ते असेंबली में बि सिंध असेंबली में बि करारदादूं आंदियूं आहिनि, बहस कई आहे। तव्हांखे यादि हूंदो हिकिड़ो पूरो ॾींहुं जेको आहे असां पाणी ते असां रखियो हो ऐं हाणे वरी हिकिड़ो ॾींहुं पूरो हिन पाणी ते रखंदासीं बहस करण जे लाइ। टियों ॾींहुं क़ौमी असेंबली में बि इहो इशू उथियो आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उथारियो, कल्ह जी अख़बारुनि में आयो आहे। बाक़ी हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि जेका तव्हांजी वाधारो आहे उहा मूंखे सुठी लॻी सजेशन, हिन ते एमरजेंसी लागू करणु खपे, इहा ॻाल्हि ज़रूरु आउं अॻिते पहुचाईंदसि। इन्होने के इंक्रोचमेंट की तो मैं उनकी बात को एंडोर्स करता हूं और मैं ये कहता हूं कि जो कुछ हुआ है ये गलत हुआ है, इसको दुरुस्त होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को इसका इनिशिएटिव लेना चाहिए, जितनी इंक्रोचमेंट है उसको रिमूव होना चाहिए। शहबाज चंदीजा, अच्छा मेरा सवाल सिर्फ ये है कि हम कब तक सिर्फ एक हमारी सिंध यूनिवर्सिटी पर एनएसआर करते रहेंगे, कब जाकर हमारे जरदारी साहब और मतलब जो भी हमारे जो इधर के हुक्मरा है सिंध के वो कब जाकर एक मीरपुर खास यूनिवर्सिटी को क्या कायम का ऐलान करेंगे? जो उधर इधर हमारे यहाँ पर सिंध की सिंध गवर्नमेंट की तरफ से मैडम आपके लिए सवाल है कि सिंध गवर्नमेंट जो है ये यूथ को जो है स्कॉलरशिप देती है या इसकी जो मतलब हमारे लिए जो एक स्कॉलरशिप या हमारे एजुकेशन जो मेजर हायर स्टडीज के लिए ग्रहण करती है उसमें जो है आप लोग मीरपुर खास के लिए आप लोग बड़े मशहूर वहां पर सिंध असेंबली में जाकर बहसों मुबहसा कर रहे होते हैं और सिर्फ हम लोग को सिर्फ एक जो है जो मैं मासल के साथ अगर कुछ गलत बात कह जाऊं कि आप लोग एक दूसरे के साथ ही वो वक्त जाया करने के लिए मुबहसा कर रहे होते लेकिन उसका जो आउटपुट है वो हम नौजवानों तक अभी तक नहीं पहुंच पा रहा। पहली बात तो ये है
कि यहाँ पर वक्त जाया करना नहीं होता, बहस मुबाहसा इसलिए होता है कि जिस तरह अगर उसी डेकोरम से चलता प्रोग्राम कि अगर मेरा जवाब देना है तो वो मेरे भाई बीच से जाकर फिर उस पर तनकीद करेंगे, तो हुकूमत का काम है कि लोग पब्लिक बैठी भी उसको सेटिस्फाई करना, अदरवाइज मैं यहाँ नहीं बैठती, मुझे नहीं बैठना चाहिए यहाँ पर, तो ये मेरा काम है, चाहे गलत होगा सही होगा मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगी, मैं उसको बगैर अनरेस्पॉन्डिंग मैं नहीं छोड़ सकती, ये मेरा काम है। दूसरी बात ये कि यूथ पॉलिसी, आपको पता है कि कानून बनना आसान नहीं होता है, तमाम स्टेक होल्डर होते हैं जिनमें ना सिर्फ जमायतें होती हैं बल्कि तमाम जो प्राइवेटली या सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं, वो पास होगा वो जो कानून में अमल में आएगा तो सबके लिए जो भी होगा वो आपके साथ वो उसके बाद ठीक है ना, नहीं 100-100 साल लग जाते हैं, आप मैं आपको मैं बताऊं एक कानून बनने में कभी 100-100 साल भी लगते हैं, लेकिन यहाँ में कि हम हर किस्म का कानून सबसे देखिए सबसे ज्यादा कानून साजिश सिंध असेंबली ने पूरे पाकिस्तान में किए, ये तुम लोगों को मालूम होना चाहिए ठीक है। और दूसरी बात ये कि यूनिवर्सिटीज का ताल्लुक है तो ये भी रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध सूबे में वो बड़े बड़े एजुकेशन के दावे करते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाइस जमाते जिसके दौर में सिर्फ यूनिवर्सिटीज ही 9 बनी है, तालीम इदारे बने, यहाँ पर मिपू खास की आप बात करते हैं, नहीं आप इस तरह क्या करें, यहाँ पर कैंपस नहीं बना हुआ क्या सिंध यूनिवर्सिटी, मेरी बात तो सुन लेना, आप नहीं पढ़ते क्या, हम लोग भी पढ़े हैं, हमने आज हम छोटे शहरों से पढ़ते थे मिपू खास में, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि कोई अच्छा स्कूल मतलब है कि प्राइवेट, आजकल कहते ना कि प्राइवेट, मैं इसी बेंचेस पर जाकर पढ़ी थी, अपनी मेहनत की थी और यहाँ पर आज बड़े शहरों में और हमें बहुत कम गैप है। ये जितने वसायल होंगे यूनिवर्सिटीज भी बनेंगी, मेडिकल कॉलेज भी बनाए, लेकिन यूनिवर्सिटी का कैंपस है, कैंपस की कोई अहमियत नहीं है तो फिर कैंपस क्यों बना रहे हैं हम, एफिलिएशन है हमारी, वहां पर जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेंगे, लेकिन इसके बावजूद मैं ये नहीं कहती कि मेरे को खास वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस का शोभा है, एक सेल्फ हमारी ये चीज है, ये प्रोसेस में ये अंदर प्रोसेस है, हमारी कानून जो है वो अंदर प्रोसेस है, मैंने कहा ना ये चीजें होंगी, मैं ये चाहूंगी कि मेपो खास में भी तमाम मतलब जामे एक यूनिवर्सिटी हो, इनफैक्ट मुझे पिछली मरतबा कोई सजेशन मिली थी शायद डिग्री से या कोई था वो बच्चा, उससे भी मैंने मंगवाई थी कि आपकी जो सजेशन है मैं कानून में डाल दूं, कानून बनेगा मेरा शहर में पुखा से जरूर यहाँ पर भी बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर जगह देखे लियारी जैसे इलाके में अब कैडेट कॉलेज लड़कियों का बन चुका है, ये हम लोग तालीम पर ज्यादा फोकस है इंशाल्लाह में हो इसमें मेरी एक गुजारिश वाजिद भाई एक मिनट मेरी एक गुजारिश है इसमें कि मैं सिर्फ ये क्योंकि देखें एक बात तो ये है कि जब लोग वोट देते हैं तो तनकीद उनका हक होता है और उस तनकीद को हमें बर्दाश्त करना चाहिए और हम 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 उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा सिविल हॉस्पिटल की गुफ्तगू हुई मेडिकल कॉलेज की गुफ्तगू हुई मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि क्या मेरी बहन बता सकेगी कि इस वक्त मेडिकल कॉलेज का स्टेटस क्या है, अभी अगर बता दें तो आप जो कहेंगे वो मैं मान जाऊंगा, आप पूछ लें कि मेडिकल कॉलेज का स्टेटस कम से कम आपकी तरह वाटर सप्लाई के मेगा प्रोजेक्ट नहीं, नहीं ये सवाल देखें मैं ये चाह रहा हूँ कि मेडिकल कॉलेज अभी किस स्टेटस पर है मुझे पता नहीं चला, इदारे पर कब्जा नहीं किया, नहीं, नहीं, इसका जवाब तो लेना यार जो है जवाब लेना इसका कि मेडिकल कॉलेज जो है मीरपुर खास का मेडिकल कॉलेज उसका स्टेटस क्या है अभी, आपने तो वो भी नहीं बनाया ना आपने तो वो ईंट भी, अरे मैं तो बता दूंगा मैं तो उसकी प्रेजेंट पोजीशन बता दूंगा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या डिड यू एवर विजिट द न्यूली कंस्ट्रक्टेड मेडिकल कॉलेज मीरपुर खास, अभी इस तरह आएंगे ना तो मेरे पास सवाल है, नहीं नहीं क्या ये एक मिनट मैं वही तो देखिए आप सवाल उनसे पूछ रहे हैं, यही कह रही हूँ क्या, नहीं मैं यही कह रही हूँ ना क्या मुख्य सच्ची गाल है तपा हुए वाक्यान जी के याद पिया अचन पा पिया अज अज दिसा पियो जको एक वो जने बिनी तरफा असेंबली में शोर पे के जने असन जी सिंध जख्मी थी जने असन जी सिंध के बात कयो वयो कराची तड़े नन गजी करे उते जशन पर मलाया अज दिसो तैना जा जने रिश्ता टुटानी उए सागया मामा है चाचा है मामा चाचा हुआ इन्हन गच्ची लुटियो सिंध के उन्हन के चयो कराची तवा लुटियो बाकी सजी सिंध असा लुटींदा सी हद जड़ी गाल है हिते वेही करे
तमा किरण फाइनल जी गाल पे करो अरे दिसो ताज वारो छबो दिसो पछयु इंसान ला आइ मान पछयु एकरो साखण आ एकरो पानी पानी कमीशन जी रिपोर्ट आ है तमा 80 सैकड़ो मानु जहर पेन पे जहर जिन जो उम्र घट जी जिके 80 साल में उ 50 ते एवरेज पोतो है बियो है साखण ईमानदारी खणी ॾेखारियो असां जहिड़ो गरीब माण्हू जेको एसी गाॾियुनि में कोन्हे उहो त शहर नथो हली सघे ठीकु आहे साह खण ही ॿ शयूं बाक़ी रहियो छा बाक़ी 10 साल में तव्हां कयो छा जेके ॿ असांखे हक़ हुआ रोड हाणे रोड रोड कहिड़ो रोड आहे जेके सभिनी हाल पिया कयो हिन सभिनी ते थी वियो रोड तव्हांजो सरकार ते थी वियो आहे तइलीम तव्हांजी तव्हांजी तइलीम जी ॻाल्हि कई थी वई आहे हर शइ ते थी वई आहे को नओं निकितो आहे तइलीम हिकिड़ो मिंट तइलीम तइलीम अती तव्हां कहिड़ी ॻाल्हि पिया करियो कहिड़ा फाइल पिया ॾेखारियो तव्हांजे 80 सैकड़े जेके स्कूल आहिनि जंहिंजी तव्हांखे ख़ुदि ख़बर आहे ॿार मौत जे मुंहं जे हितां वेठा आहिनि चापड़ा किरण पिया केतिरा वाकिया पिया था थियनि ठीकु आहे असांजी रिपोर्ट खे छॾे ॾियो असां तव्हांजे आर एस यू जी रिपोर्ट जे ई ॻाल्हि कयूं था शइ तव्हांजी किथे चयो न हलो इस्पताल में दूध का दूध पाणी का पाणी सची ॻाल्हि इहा आहे तव्हां ॿिन्ही धुरियनि अॼु तव्हांजा रिश्ता टुटा आहिनि तव्हां ॿिन्ही धुरियनि 10 सालनि में जेके मुंहिंजी सिंध अमर जी भेंग कई आहे न ख़ुदा जो कसम आहे तव्हांजो होटल बि तव्हांखे बख़्श कोन कंदो तव्हांखे ॿुधायो मथां ॿिनि महीननि खां पोइ इलेक्शन आहे इलेक्शन में छा खणी पिया वञो जे माण्हुनि वटि जो वरी पीपल्स पार्टी वोट मिले तव्हां जवाबु ॾियो भली हे माण्हू ॻाल्हाए पिया माइक जेकॾहिं तव्हां चवंदो त आउं हिननि जो वाटर कमीशन ते बार बार जेको आयो आहे न पहिरीं ॻाल्हि थी स्कूलनि जी कई न आर एस यू कंहिंजो कंहिंजी आहे इहो जेको यूनिट कंहिं सिंधु हुकूमत कयो आहे हुनजी बिल हुई न त असांखे यंग अखर मिलनि छो त प्राइवेटली असां थर्ड पार्टीस खां तमामु घणा इहे सर्वे कराया पर इहो सिंधु हुकूमत जी विल हुई न उहो चाहियो पई त असांजो ख़राबियूं जेके बि सिस्टम आहिनि इदारे में कंहिं आहिनि त उहो तव्हां इहो को वॾो इनकलाब थोरी वॾो हू कोन कयो आहे त हिकिड़ो डिस्क्लोज़ कई आहे इहा असां पाण हीअ सिंधु हुकूमत जो पंहिंजा फ़र्शवादी हीअ असांखे ख़बर पवे ऐं इहा रिपोर्ट मिले त उनजे आधार ते असां हुननि खे बहितरी करे सघूं इन जो जवाबु इहो आहे ॿी ॻाल्हि इहा त वाटर कमीशन जी जेकॾहिं वाटर कमीशन जी अदा जवाबु कंहिंजो छा कयां मतिलबु मूंखे ख़बर न हुई त को माना मां सॼी सिंध में प्रोग्राम कयो आहे मुंहिंजो 12 ज़िलो आहे घोटकी जहिड़ो ज़िलो जिते माण्हू बंदूकूं खणी अची प्रोग्राम ते वेठा उते बि अहिड़ी बदमस्गी कोन थी जेतिरे जेके ई पढ़ियल लिखियल माण्हू था ॾुख थियो आहे मूंखे मां सम्झो त मिर्पू ख़ासि जे अंदरि पढ़ियल लिखियल माण्हुनि सां मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो पर मूंखे यकीन कयो मायूसी थी आहे त माना ॾाढो मायूसी छो न आहे त पोइ हुनखे अॻे जेका जुट कईसीं पर माण्हुनि खे मतिलबु तव्हां जवाब त ॾींदी पर पार्टी खे रिस्पॉन्ड त कंदी अदा ज़ुहैब ॻाल्हि ॿुधो हू पंहिंजो माइंड ठाहिया आहिनि इन करे जो जेकॾहिं आउं आर एस यू जी ॻाल्हि थी करां फौरन था उथनि हुननि खे सिर्फ़ उहो जवाबु उन्हनि खे दिमाग़ में इहो आहे अदालत भई आउं सपोर्ट यूनिट जी बि ॻाल्हि करियां पर हुननि माइंड जेको ठाहिया आहिनि हिनखे जवाबु कीअं ॾिनो आवाज़ चैनल जो बुनियाद महमूद सुल्तान चांदियो रखियो अलाह
मीरपुर का सिटी में गंदगी आई ठीक है पहले
नुमाइंदा एतरो खुलियल लफ्ज़न में सवाल करण वाले मानू के नथी चई सका
मतलब मुझे एकड़ी गाल ते अफसोस थो हिन हिन ही करे जिन जवाब दे सकन ता खुली गाल है सकन ता कि जे के गालू कयो न जे के मु सिर्फ एकड़ो जुमले में जवाब दिनो ती जी गाल ते मुखे एकड़ी हैरत थी मु सिर्फ एतरो चयो ती हिन जको चवा गलत है अण औ छा चवा त मतलब एतरो कूड़ त न गालयो न तमा देखे मैं जवाब दे दूं बहुत सारी बातें एक मिनट एक चीज तो ये है देखे एक चीज तो ये है कि मेरी बहन ने मेरा बड़ा एहतराम है और मेरा बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है। एक बात तो ये है कि जो इन्होंने नुसरत सुल्ताना ख्वाजा से बात की और उन्होंने कहा कि जी मिलते हैं, मैं आज अभी फिर कह रहा हूँ कि मैंने जो एक एक लफ्ज कहा है वो सही कहा है। मुझे इन 5 सालों में एक दफा 1 करोड़ 20 या 25 लाख की स्कीम मिली है जो मुजफ्फराबाद का हमने सिस्टम सही करवाया है। उसके अलावा 4 करोड़ की स्कीमें मिली थी जो मेहदी अली शाह ने अपनी मर्जी से उस पर इम्प्लीमेंट करवाया। उसने ये मेहरबानी की कि 2-3 स्कीमें जो हमने दी थी वो स्कीमों पे काम हुआ है। उसके अलावा हमें इन पिछले 3 सालों में कोई बजट कोई फंड कोई तरक्याती फंड नहीं मिला है। ये मैं इन तमाम लोगों के सामने बोल रहा हूँ और ये तमाम लोग चाहे तो इसकी इंक्वायरी करें। कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम से फंड मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम से फंड जा रहा है, वो फंड कौन इस्तेमाल कर रहा है, और ये तो मैं आज आपके प्रोग्राम में कर रहा हूँ। हो सकता है 2-4 दिनों में मैं इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और तमाम चीजों को कम अज कम इस हवाले से, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा है, सही बात नहीं है। किसी भी चीज को छुपाने के लिए और गलत तरीके से ये कहा जाए कि जी इनको फंड मिल रहा है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि हमें 2 साल फंड मिले, एक दफा 1.25 करोड़, दोबारा दोहरा रहा हूँ हर बात को, एक दफा 4 करोड़ के फंड, वो 4 करोड़ के फंड मेहदी अली शाह की नजर हो गए। उसमें उनकी ये मेहरबानी थी कि हमने उनके खिलाफ अखबार में खबरें रिपोर्टें सब लगाई, शोर मचाया, लेकिन चूंकि हम अपोजिशन में थे वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि सेवरेज के निजाम को क्रिटिसाइज नहीं किया, हम ये कह रहे हैं कि सेवरेज के निजाम में काम जिस तरह से चल रहा है उस काम को बेहतर होना चाहिए। अभी तक हमने ये नहीं कहा ये गलत हो रहा है, हमने ये कहा है कि ये जो काम चल रहा है इसमें अच्छे ईमानदार लोगों को शामिल किया जाए, एक अच्छे लोगों की कमेटी बनाई जाए और उसके बाद काम किया जाए ताकि ये काम देखें। मैं और आप भी भुगास में रहते हैं, ये ठेकेदार ये सरकारी अफसरान ये सब माल बना के चले जाएंगे लेकिन भुगतना हमें पड़ेगा। इसलिए आज इस ऐवान के तवसुत से मैं यही कहता हूँ रुकाम बालक को भी, सिंध हुकूमत को भी, मेरी बहन को भी, क्योंकि गवर्नमेंट से ताल्लुक है, कि अच्छे लोगों की कमेटी बनाए और उसमें तमाम स्टेक होल्डर को शामिल करके इस काम को बेहतर। हमारे दोनों अब इनकी आवाज जहां तक जाती है उसका काम हो जाता है। अब मसला ये आ रहा है कि देखिए लोगों ने तमाम इशू पे बात की, वो तमाम जगह जो भी बात हुई है बिल्कुल सही है कि हमारे तमाम इदारे तबाह हैं, सिविल अस्पताल से लेके तमाम चीजें। अब दोनों एमपी साहब की दरखास्त है मेरी कि इसका हल आप दोनों मिलके, आप दोनों पार्टियां, लेकिन आपके अंदर में जो इदारे आते हैं आप उस पर काम करें, इनके अंदर में जो इदारे आते हैं वो इन पे काम करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू में इतना काम हमें नजर नहीं आया लेकिन इस वक्त शहर में नजर आ रहा है। मेगा प्रोजेक्ट पानी की सेवरेज लाइन जो हरिराम साहब लेके आए यहाँ पे, जो भी कांग्रेस पीपल्स पार्टी के तौर से मेरे को हंस में आए, हम शुक्र गुजार है। लेकिन अगर हम थोड़ी थोड़ी चीजों पर तनकीद करेंगे, जब देखेंगे हमारा घर भी बनता है तो उसमें कहीं ना कहीं डंडी की कारीगर भी मार जाता है, उसे हम पकड़ते हैं। जिस तरह अमीर साहब ने कहा कि जब इधारों में हम सिविल सोसाइटी मुगला हजरात इन लोगों की टीम हाजिर हजरात इन लोगों की टीम बनाएंगे और वो देखिए आगे हम उनको बात करेंगे तो वो जब जाके ये इधारे सुधरेंगे। अच्छा अब जहाँ छोटे मोटे जहाँ तक मसले हैं वो हो रहे हैं, हमें दरगुजर करते हैं, बिल्कुल हाथ में गोरख मेगा प्रोजेक्ट आया और वाटर सप्लाई, एक नाम मैं और बताऊँ वाटर सप्लाई भी है 60 करोड़ का, एक नाम और बताऊँ उसने बहुत काम कराया, अदी ने हमारे इलाकों में काम कराया, रोड बीवा रोड बना के दिया, हरिराम साहब से अभी दो काम इन्हें अंजुमन ताजरान के थे जो उन्होंने करा के दिए, मच्छी मार्केट के बना के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रोड रोड काम कराया। लेकिन ये है कि बहुत सारे इदारे हैं जो इन्होंने तबाह किए जो इन्होंने देखे भी नहीं, उसमें हम जरूर शिकायत करेंगे। डॉक्टर साहब से कहेंगे डॉक्टर साहब आप कम से कम जो आपका आप तो शर्मिंदा हो चुके उसमें कि कम से कम आपके इंटर में जल्दी आती है आप उतारा उसको सुधारे, नहीं सुधार सकते तो चेयरमैन को हटाए। आपका भाई चेयरमैन खुद आपके चेयरमैन के इल्जाम लगाता है कि 15 करोड़ रुपए खा गया, तो इसका मतलब आप में लड़ाई नजर आती है, वो आपका भाई चेयरमैन आपके चेयरमैन पे इल्जाम लगा रहा है।
इसलिए कि वो कहीं और घर कर रहा, कहीं ना कहीं कलेश है, तो आगे लेके 15 रुपए कौन खा गया। ठीक है, दूसरी बात यह कम से कम आप उस इलाके को सुना रहे, अभी आपके अंडर में जो आता है सिविल सरदार जो है उनका भी बड़ा बुरा हाल है। मतलब आपका कहना है कि दोनों पार्टियां मिलकर इस शहर के लोगों की खिदमत करने का।